नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया और मैं हूं आपके साथ आपकी एआई एंकर आद्या। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन में। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों से। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 5वीं पुण्यतिथि के मौके पर बीजेपी ने कार्यक्रम रखा है जिसमें पूर्व बीजेपी नेता को याद किया जाएगा। इस मौके पर बीजेपी के तमाम बड़े नेता पहुंच रहे हैं। खास बात यह है कि बीजेपी की तरफ से पहली बार पुण्यतिथि कार्यक्रम में एनडीए के घटक दलों को न्योता दिया गया है। हरियाणा के नूह में हुई हिंसा के बाद परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा नूह के नलहरेश्वर शिव मंदिर में पूजा अर्चना करने पहुंचे। नलहरेश्वर शिव मंदिर वही मंदिर है जहां 31 जुलाई को हिंसा के दौरान लोग फंस रह गए थे। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा यहां शिव मंदिर में जलाभिषेक किया। हिमाचल प्रदेश के शिमला में क्षतिग्रस्त शिव मंदिर के मलबे में से मंगलवार को एक और व्यक्ति का शव बरामद होने और कृष्णा नगर इलाके में शाम को भूस्खलन के कारण दो लोगों की मौत के बाद राज्य में बारिश के कारण हुई घटनाओं में मरने वालों की संख्या बढ़कर 56 हो गई है। पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर जारी तनाव के बीच भारत और चीन के बीच कोर कमांडर लेवल की 19वें राउंड की बैठक हुई है। ये बैठक 13 और 14 अगस्त को भारतीय सीमा पर चुशुल मोल्डो में आयोजित की गई। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच पश्चिमी क्षेत्र में LAC पर शेष मुद्दों के समाधान पर सकारात्मक और लंबी चर्चा हुई। काठमांडू से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट में तकनीकी खराबी आ गई जिसके बाद ट्रैक्टर की मदद से विमान को रनवे से हटाया गया। घटना काठमांडू के त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट की है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने इस साल भारत की मेजबानी में होने वाले वनडे वर्ल्ड कप का नया शेड्यूल हाल ही में जारी किया है। टूर्नामेंट का आगाज पहले से तय तारीख 5 अक्टूबर को होगा जबकि फाइनल मुकाबला भी 19 नवंबर को ही खेला जाएगा। फिल्म गदर 2 ने अपने रिलीज के 5वें दिनों में बड़ा इतिहास रचते हुए बम्पर कमाई कर ली। फिल्म ने 5वें दिनों के अंदर ही कमाई के मामले में 200 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। कमाई के मामले में गदर 2 ने पठान को भी पीछे छोड़ दिया है। बिहार में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। बिहार के समस्तीपुर में हमलावरों ने SHO को गोली मार दी। गोली के बाद SHO को आनन फानन पटना के IGIMS अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां SHO की मौत हो गई। भारतीय पहलवान विनेश फोगाट एशियन गेम्स का हिस्सा नहीं होंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक विनेश फोगाट 13 अगस्त को चोटिल हो गई थी जिस कारण विनेश फोगाट एशियन गेम्स में नहीं खेल पाएंगी। एशियन गेम्स में विनेश फोगाट का नहीं खेलना भारतीय फैंस के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार ने 77वें स्वतंत्रता दिवस पर फैंस को बड़ी न्यूज दी है। उन्हें भारत की नागरिकता मिल गई है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, दिल और सिटीजनशिप दोनों हिंदुस्तानी, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, जय हिंद। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।